अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फी, जो कि खाने में बिल्कुल बर्फी के टेस्ट आएगा, हलवा की तरह टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल हलवे की तरह बना के दिखाएंगे, जैसे हलवे लोग बनाते हैं सूजी की बर्फी। आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहने गए, तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। सूजी की बर्फी बनाने के लिए मैंने इधर गैस पे एक पैन चढ़ा दिया, अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, ये गर्म हो गया है। अब पैन में सबसे पहले घी डाल देते हैं, जितना हमने सूजी लिया है उतने घी लगेगा। ये घी हमारा थोड़ा जमा हुआ है, डाल देती हूँ। मैंने कटोरी से सारी चीज नाप के लूंगी। घी मैं ऐसे डाल रही हूँ, घी आप चाहे कम डालो या ज्यादा डालो, आपके ऊपर है। अब ये थोड़ा मेल्ट हो जाए, घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें उबाल आने लगा है। घी हमारा मेल्ट हो गया है, मैंने 2 छोटा चम्मच बेसन ले लिया है। सबसे पहले बेसन डाल देते हैं घी में, हल्का सा भून लेते हैं इसको। बेसन हमारा भुन जाए हल्का सा घी में, उसके बाद दिखाते हैं। इसकी बेसन की जितनी भी गुठलियाँ बन रही हैं, इसको इसी करछी से तोड़ देना है। अच्छे से मेल्ट हो जाए घी में, इससे बिल्कुल दानेदार बर्फी बनके तैयार होगी। अब बेसन हमारा भुन गया है, इधर हमने सूजी लिया है 1 कटोरी, इसे डाल देती हूँ। वजन में सूजी हमारी 100 ग्राम है। अब सूजी को भून लेते हैं अच्छी तरीके से, जब तक घी ना छोड़ दे सूजी तब तक के भूनना है, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये बर्फी बहुत टेस्टी बनती है गाइस, आप लोग एक बार जरूर बना के खाना हमारे तरीके से। खूब अच्छे से मिक्स करना है घी में, इसका ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है, सूजी हमारी भुन जाए, बस चलाते रहना है, चलाना नहीं छोड़ना है कंटिन्यू। अभी जितने सूजी भुनेगी उतने घी छोड़ती चली जाएगी, इसका कलर ज्यादा नहीं डार्क करना है, क्योंकि हम व्हाइट बर्फी बनाऊंगी, हल्की सी व्हाइट रहेगी। अब सूजी हमारी भुन रही है, अभी घी छोड़ना शुरू कर दिया, आप देख सकते हो इसमें बबल्स आ रहे हैं। अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया है सूजी को, अब इसको थोड़ी देर और भुनेंगे ताकि ये दाने जो दिख रहे हैं सूजी के हल्के हल्के ब्राउन कलर के हो जाएं। बस इसको उतार देना है, हटा देना गैस से, ज्यादा नहीं भुनना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है भून के, इसका कलर नहीं चेंज करना है। पूरा घी छोड़ दिया है, इसको लो फ्लेम पे भुनना है, ज्यादा तेज आंच पे नहीं भुनना है, क्योंकि ये सूजी है जल सकती है, बहुत जल्दी जल जाती है सूजी। गैस तेज आंच पे भूनोगे तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा, इसीलिए स्लो आंच पे भूनना है। हल्का हल्का कलर इसका चेंज होने लगा है, सूजी हमारी भूनने लग जानी है, बस थोड़ी देर और भूनना है, 1 मिनट। दाने दाने सी हो गई है, अब सूजी हमारी भुन गई है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हुआ है, सारे सूजी के दाने दिख रहे हैं ब्राउन ब्राउन, अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच दूध डाल देती हूँ। मैंने इधर दूध लिया है 1 छोटी कटोरी में, ये 1 छोटा चम्मच से 2 चम्मच है, डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, ये दाने जो है सूजी के जो दाने बने हुए हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, खाने में बिल्कुल बर्फी का टेस्ट आएगा, हलवे की तरह नहीं लगेगा, बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी बनके तैयार होगी। दूध नहीं डालोगे आप तो बिल्कुल रेत रेत की तरह लगेगा, जैसे बालू रहता है रेत रेत, सूजी का टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिला देते हैं, ये सूजी के दाने जितने बने सारे सॉफ्ट हो जाएंगे दूध डालने से। दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, इसको थोड़ा चला रही हूँ ताकि ये झाग झाग जो है ये मिट जाए। दूध डालते ही आपको तुरंत गैस बंद कर देना है, ज्यादा देर भुनना नहीं है। आप देख सकते हैं सूजी का कलर कितना बढ़िया आया है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बर्फी बनके तैयार होगी हमारी। आप लोग पूरी वीडियो देखना गाइस, वीडियो हमारी जरा सी भी पसंद आ रही गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, और आप लोग जरूर बना के खाना ये बर्फी हमारे तरीके से। आपको बाहर की बर्फी, बाहर से मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जब मन करे तो घर पे बना के खा सकते हो बर्फी या लड्डू कोई भी। अब इसको हटा देते हैं साइड में, इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। देखिए गाइस, चाशनी बनाने के लिए मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। जितनी हमने सूजी लिया है उतनी चीनी डाल रही हूँ, आप चाहो तो चीनी कम या ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। सबसे पहले चीनी डाल देते हैं, अब इसी कटोरी से आधी कटोरी पानी डाल देती हूँ इसमें, चीनी में जितनी चीनी है 1 कटोरी उसके हाफ पानी लिया है। अब चीनी को घुल जाने देते हैं, इसकी हल्की सी तार, एक पतली तार वाली चाशनी बनाऊंगी, ज्यादा मोटी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। जैसे उबाल आ जाए चाशनी में उसके बाद दिखाते हैं आपको। चाशनी में उबाल आ गए अच्छे से, इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, हल्की सी चिपचिपी सी हो जाए। मैंने 2 इलायची कूट लिया है फ्रेश वाली, इसे डाल देती हूँ।
आप चाहो तो केवड़ा ऐसे से डाल सकते हो, कोई भी फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दो या केवड़ा डाल दो। मैंने इलायची डाल दिया है। अब चाशनी हमारी तैयार हो गई, इसे हम चेक कर लेते हैं। एक हल्की सी तार बननी चाहिए। अब ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है, बिल्कुल हल्की सी पतली सी तार बन रही है, आप देख सकते हो। इसको ज्यादा दो तीन तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ एक तार आनी चाहिए बस। चाशनी हमारी तैयार है, मैंने गैस को फ्लेम बंद कर दिया है। इधर हमने फ्राई पैन रख लिया है, अब दोबारा से एक बार इसे चला देते हैं अच्छे से, मिक्स हो जाए, उसके बाद चाशनी डालूंगी इसमें। अभी ये गर्म है हल्का हल्का, ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है। अब ये चाशनी जो मैंने बनाया है इसे डाल देती हूँ इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है चाशनी में सारी सूजी। गैस मैंने जला रखा है, बिल्कुल स्लो है, तेज आंच बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे चलाते रहना है, अच्छे से मिक्स हो जाए सूजी और चाशनी हमारी, ये अपने आप गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। सूजी हमारी अच्छे से चाशनी में मिक्स हो गई है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। बर्फी को बिल्कुल मावे की तरह बनाने के लिए थोड़ा सा हमने मिल्क पाउडर ले लिया है, ये 50 ग्राम है। अब डाल देती हूँ इसमें, बिल्कुल ये बर्फी की तरह लगेगा। आप चाहो तो मिल्क पाउडर का ये बढ़ा सकते हो, बढ़ा के डाल सकते हो, मैंने 50 ग्राम डाला है। इसे अच्छे से मिलाते हैं इसमें, तो मिक्स करते हैं चला के, बिल्कुल बर्फी का टेस्ट आएगा। गैस को हमने अभी बंद कर रखा है, चाशनी डाल के मैंने बंद कर दिया था। इसको दबा दबा के अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मिल्क पाउडर चाशनी और सूजी हमारी। जो मैंने मिल्क पाउडर डाला है उसकी वजह से बिल्कुल मावे की तरह हो गया है, इसमें सूजी नहीं दिख रही बिल्कुल भी, कोई बता नहीं पाएगा ये कि मावे की बर्फी है सूजी की बर्फी है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे और मिक्स करेंगे एक मिनट। मैंने एक मिनट के लिए गैस को ऑन कर लिया था, बिल्कुल स्लो आंच कर दिया था। अब ये बिल्कुल बर्फी हमारी जमने के लिए तैयार है। अब चलते हैं, जिस बर्तन में जमाएंगे उस बर्तन में हल्का सा घी लगा के इसको सेट करते हैं। देखिए गाइस, मैंने एक थाली ले लिया है, आप चाहो तो ट्रे में जमा दो या थाली में जमा दो, किसी भी चीज में जमा सकते हो। थोड़ा सा घी डाल देती हूँ इसमें, इसे हाथ से लगा देते हैं, उससे क्या होगा कि बर्फी हमारी चिपकेगी नहीं, पूरा ऊपर तक लगा देना है। मैंने थाली में घी लगा दिया है पूरा अच्छे से, अब ये डाल देती हूँ जो हमने बर्फी बनाया है, सारा डाल देती हूँ एक साथ। बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहा, पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, आप देख सकते कितनी साफ है पैन हमारा। अब इसको फैला देते हैं, किसी भी शेप में आप काट सकते हो, जमा सकते हो, आप चाहे चौकोर बीच में खाली थाली के बीच में जमा दो, मैं इसको पूरी थाली में जमा रही हूँ। आप ज़्यादा मोटी बर्फी बनाओ तो चौकोर शेप में खाली बीच में जमा सकते हो, थाली के तले में पूरा इसे बराबर कर देंगे। बहुत टेस्टी बर्फी बनके तैयार होगी गई, तो आप लोग एक बार जरूर बना के खाना ये वाली बर्फी, हर बार इसी तरीके से बना के खाओगे, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घी सारा पोर देते हैं इसी में, अब इसको थोड़ा सा इसे थाली को पटक देते हैं, ये बराबर हो गया। देखिए गाइस, बर्फी को हमने अच्छे से सेट कर दिया है थाली में, देखो। देखिए गाइस, हमने चांदी का वरक ले लिया है, अब इसके ऊपर लगा देते हैं बर्फी के ऊपर, अच्छे से चिपका देंगे। ये हवा में उड़ता बहुत है, आप जब भी लगाना तो या तो किचन में लगाना या फिर पंखा बंद करके लगाना। मैंने एक चांदी का वरक लगा दिया है, अब दूसरा भी ले लिया, इसे भी लगा देती हूँ। बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए मैं दो लगा रही हूँ, इसको लगाने में बहुत डर लगता है, ये उड़ता बहुत ज्यादा है, आराम से उठा लेना है। चांदी का वरक हमने लगा दिया है, अब थोड़े से पिस्ता डाल देती हूँ इसमें, बिल्कुल बारीक काट लिया है, आप चाहो तो डालो वरना स्किप कर सकते हो। पिस्ता हमने डाल दिया है, अब इसको रख देते हैं थोड़ी सी ठंडी हो जाए पंखे के हवा में, उसके बाद मैं कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। देखिए गाइस, बर्फी हमारी सेट हो गई अच्छे से, मैंने 2 घंटे के लिए पंखे के हवा में रख दिया था। अब चलते हैं इसकी कटिंग कर लेते हैं, आप चाहो तो फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हो। अब इसे काट लेते हैं, आराम से ये कट रही है, देखिए गाइस बर्फी को हमने काट लिया है, अब इसे निकाल रही हूँ। इसको निकालना बिल्कुल आसान है, ये आसानी से निकल जाता है, ऐसे साइड से एक पीस निकाल लेंगे, ये आराम से निकल रहा है। मैंने साइड का निकाला अभी, अभी बीच का निकाल के दिखा रही हूँ, सारे साइड का और निकाल देते हैं। देखिए गाइस, कितनी आसानी से बर्फी की पीस निकल रही है, आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट बनी हुई है ये, मैंने इतनी मोटी रखा है, कितना बढ़िया शेप बना है बर्फी का,
अब इसी तरीके से सारे पीस निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए इस बर्फी हमारी बनके तैयार हो गई है, मैंने एक ट्रे में सजा दिया है, बहुत टेस्टी बनी माशाल्लाह। आप लोग जरूर बना के खाना एक बार, आपको बहुत पसंद आएगी। हर बार घर पे बना के खाओगे मिठाई हर तरीके से। मैं एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट बनी है ये, बिल्कुल सूजी की तरह नहीं लग रही है। आप देख सकते हो कि इसका कलर कितने आराम से टूट रही है। वीडियो हमारी अच्छी लगी गई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।